कमाई नहीं, ऐसे ही सबका होता है ना। इस काम में रहिए। विवाह का शुभ कार्यक्रम आरंभ किया जाए। ठीक है नाउन। हाँ बाबा। पर कन्या का हाथ मिलाइए। जैसी अज्ञा हो। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपेत जम्बो पर चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंगजम। नीलाम श्यामलांग कोमलांग सीता समारो पति बाम भागम पाड़ो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। पर कन्या को अंदर ले जाओ। पंडित जी शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। ठीक है तो चला जा। ठीक है भाई हमारा दक्षिणा राजन अवश्य मिलेगा। पंडित जी अच्छा तो अब चलते हैं। राजन हमारी पुत्री का ध्यान रखिएगा। घबराइए नहीं वो मेरी पुत्री जैसी है उसको मेरी जिम्मेदारी है देखना। मंत्रवर जी महाराज जाइए बेटा भर्तरी को बुला रहे। जैसी आज्ञा। जाइए मंत्रवर। आइए बेटा। बेटा अब मेरी अवस्था झल चुकी है और मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरा राजकाज तुम्हें सौंप देता हूँ और आज से इसका देखभाल तुम करोगे और मैं चल रहा हूँ सन्यास आश्रम में। जो आगे देखिएगा बेटा। जानी साहिबा आपकी सज लग चुकी है आओ मैं चलती हूँ। ठीक है। सोने की पलंग पर पैर रखी पलंग टूट गई क्या करें। रानी सुना मोरी बात। रानी सुना मोरी बात। एक दौसा गुनावा कह दिना वही बा हरे रलिया दिना अरे एक तो सा गुनावा के दिना वही बा हरे रनिया दिना वही बा दूजे सोहागे कीरा दूजे सोहागे कीरा हरे कवन कारण पलंगा हरे रनिया टूटी बा कवाने कारण पलंगा टूटी गई ले हरे रनिया टूटी गई ले कारण देबू तू बता कारण देबू तू बता
पावने कारा नारनिया हसती हो हरे रनिया हसती हो कारण देबू तू बता कारण देबू तू बता मैं कुछ नहीं जानती स्वामी ये पलंग क्यों टूटी नहीं रानी कुछ कारण तो जरूर है कुंवर सुना मोरी बात कुंवर सुना मोरी बात हरीश का विचार स्वामी मति कर हरे स्वामी महारानी क्या कारण है सोने की पलंग पर पैर रखती पलंग टूट गई कुछ तो कारण है कुआं इसका कारण तो मेरी बहन पिंगला ही बता सकती है जो इस वक्त दिल्ली में है रानी जब तक मैं पता नहीं लगा लूंगा तब तक मैं स्वागत नहीं मनाऊंगा मैं जाता हूँ आपकी बहन पिंगला के पास हे भगवान कहीं मैंने गलत तो नहीं कह दिया कहीं मेरी बहन सच्चाई बता ना दे मंत्री क्या यही रानी पिंगला का दरबार है हाँ राजकुमार यही रानी पिंगला का राज दरबार है आप कहाँ से आ रहे हैं मैं उज्जैन देश से हाँ राजकुमार यही रानी पिंगला का राज दरबार है कहिए क्या काम है ठीक है आप यहाँ प्रतीक्षा कीजिए मैं जा रहा हूँ महारानी पिंगला को अवश्य संदेश सुनाऊंगा कहिए जीजा जी कैसे आना हुआ आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ रहा में सुनिए महारानी जी आने में कोई कष्ट नहीं हुआ महारानी जी मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ क्या पूछना चाहते हैं जीजा जी आप सुनिए महारानी पिंगला मैं तुम्हारी बहन श्याम देवी के साथ सुहाग रात मनाने गया और सुहाग रात में सोने की पलंग पर पैर रखते ही सोने की पलंग टूट गई मैं इसका कारण तुमसे जानने के लिए आया हूँ तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ जीजा जी नहीं तुम्हारी बहन ने कहा है इसका कारण मेरी बहन पिंगला जो दिल्ली में रहती वही बता सकती है इसलिए तुम्हें इसका कारण मुझे बताना होगा तो ठीक है आप जब सुनना ही चाहते हैं तो मैं बताती हूँ अवश्य बताए पिंगला जीजा जी यह बात बताने में मुझे शर्म आती है अरे अरे शर्म क्या बात है तो ठीक है सुनिए कहिए मेरी बहन अगले जन्म में जो आपकी माँ थी और इस जन्म में आपकी औरत नहीं पिंगला पिंगला आज आपने एक क्या सुना दिया पिंगला मैं क्या सुन रहा हूँ पिंगला यही कारण है जीजा जी कि सोने के पलंग पर पैर रखते ही सोने का पलंग टूट गया नहीं पिंगला आज आपने एक क्या सुना दिया पिंगला ठीक है पिंगला मैं तुमसे यही सुनने के लिए तुम्हारे पास आया था और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ पिंगला अच्छे जी प्रणाम प्रणाम कहो मेरी बहन पिंगला ठीक ठाक तो है ना रानी सुना मोरी बात रानी सुना मोरी बात जल्दी से ला दे जामा जोड़ा तू हरे रानी जोड़ा तू
खेल न जाऊं दासी का, खेल न जाऊं दासी का, जल्दी से ला दे जामा जोड़ा तू हरे रमिया जोड़ा तू। और सुना मोरी बात, और सुना मोरी बात, हर बर है बरिश कै उमरिया हो, हरे मोर उमरिया हो, हरे मोर उमरिया हो, बाले पने की है महारानी, ये छतरी का वचन है, जो कह दिया सो कह दिया। ठीक है महाराज, जब आप जाना ही चाहते हैं तो मुझे भी कुछ जीने का सहारा दे दीजिए। ठीक है महारानी। रानी सुना मोरी बा, अगने में तुलसी के पेड़ावई बा, हरे रनिया पेड़ावा बा, अगने में तुलसी के पेड़ावई बा, हरे रनिया पेड़ावा बा, तुलसी बिरावा निशान, तुलसी बिरावा निशान, जब तक तुलसी जी हरी रही है, जब तक तुलसी जी हारी रही है, हरे रनिया हारी रही है, तब तक करना तुवास, तब तक करना तुवास, यह दिन तुलसी सुखाई गई है, अरे हो सुखाई गई है, अरे हो वह दिन समझे हमना, वह दिन समझो हमना, जह दीना तुलसी सुखाई जई है, अरे हो सुखाई जई है। महाराज की जय हो। सुनिए मंत्रीवर, आज तुम्हें मेरे साथ शिकार खेलने चलना है। बहुत अच्छी बात महाराज जी। और मंत्रीवर चलिए मेरे साथ। चलिए महाराज जी। आइए मंत्रीवर। कर गवना कराई स्वामी अपने पराई गई ना, कैसे दुख काटी हम अकेले हो बलमुना, हम अकेले हो बलमुआ, हर चढ़ली जवानी मोरी, हर चढ़ली जवानी मोरी, अंग अंग कर कहो चढ़ली जवानी मोरी, अंग अंग कर कहो, जिंदगी जहर वे
बलमुआ अरे कहे कैला हम से तू खेल हो बलमुआ सुनिए मंत्रीवर हाँ महाराज जी मैं इस काली मिर्गी का शिकार करने जा रहा हूँ ठीक है महाराज शिकार तो करिए लेकिन मिर्गा जो है बहुत भयंकर दिखाई दे रहा है ठीक है मंत्रीवर तुम इसकी बिल्कुल चिंता न करो मैं तुम्हारे साथ में हूँ अच्छी बात महाराज जी ठीक है मंत्रीवर अब मैं शिकार करने जा रहा हूँ नहीं कुंवर नहीं कुंवर ये हम क्या करना चाहते हैं हम 1700 मिर्गी में एक ही काला मिर्गा है अगर उस काले मिर्गे का शिकार कर देंगे तो हम 1700 मिर्गी निर्माण हो जाएंगी नहीं कुंवर नहीं नहीं सुनिए मृगनियों मैंने बालेपन से लेकर आज तक स्त्री का शिकार नहीं किया है और जब भी किया है तो पुरुष का शिकार किया है नहीं कुंवर नहीं नहीं मैं आज इस काले मिर्गे का शिकार करके ही यहाँ से जाऊंगा नहीं कुंवर अगर तुम्हें शिकार करना है तो 1700 मृगनी में कोई मृगनी मार सकते हो लेकिन एक काले मृगो को मत मारो कुंवर मैं आपके पांव पड़ती हूँ कुंवर आपके पांव पड़ती हूँ महाराज जी देरी ना करिए ठीक है निशाना लगाइए महाराज जी ठीक है मंत्रीवर सुनिए कुंवर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कुंवर कुंवर सुना मोरी बात हर 1700 मेरे गिन में कै मिर्गा अहो कुंवर कै मिर्गा अहो कुंवर कै मिर्गा इसका करो ना सिकार इसका करो ना सिकार अरे आए हो शिकार करने जंगल में अरे कुंवर जंगल में आहो कुंवर जंगल में मेरे गिन मारो दुई चार मेरे गिन मारो दुई चार अरे आए हो शिकार करने जंगल में अरे कुंवर जंगल में अरे कुंवर जंगल में मेरे गिन मारो दुई चार अरे आए हो शिकार करने जंगल में अरे कुंवर जंगल में अरे कुंवर जंगल में सुनिए मैं आज इस काले मिर्गे का शिकार करके ही यहाँ से जाऊंगा हम 1700 मिर्गनी रार हो जाएंगे कुंवर कुछ भी हो जाओ रार हो जाएंगे नहीं महाराज जी हाँ रार हो जाए कुछ भी हो जाए निशाना लगाइए मैं इसका शिकार कर रहा हूँ हाँ महाराज जी लगाइए कुंवर सुना मोरी बात अरे कुंवर सुना मोरी बात हर जैसे तू हमनी के रण कैला अहो कुंवर रण कैला अरे कुंवर रण कैला जंगलवा के
हूँ। हाँ महाराज जी लगाइए। कुंवर सुना मोरी बात, अरे कुंवर सुना मोरी बात, हर जैसे तू हमनी के रण कैला अबो कुंवर रण कैला, अरे कुंवर रण कैला। ये बताओ यदि इस धरती पर इसे जिलाने वाला कोई हो मृगनियों, बताओ मैं इस काले मिर्गे को उसके पास लेकर चलूंगा मृगनियों। कुंवर इस जग में एक ही है जिसका नाम बाबा गोरखनाथ है। क्या? जो ऊंचे पर्वत पर रहते हैं, उन्हीं की बस की बात है जो ये हम लोग का सुहाग बचा सके, और ना किसी की बस की बात नहीं है। अरे कुंवर अभी तो तुम बहुत नादान दिखाई दे रहे हो, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। महाराज जी आप चिंता न करिए, हम लोग गोरखनाथ के यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। महाराज जी आप आदेश दीजिए, मैं इन मृगिनियों को भी मार देता हूँ। नहीं मंत्रवर, ऐसा नहीं मंत्रवर, मेरे ऊपर बहुत बड़ा श्राप लग चुका है मृग मंत्रवर। हाँ महाराज, जब तक ये मृगा नहीं जिलेगा तब तक कि मुझे मेरे ऊपर शराब लगा है मंत्रवर। हाँ ऐसा है, चलिए उठाइए इस मिर्गे को और बाबा गोरखनाथ जी के पास चला जाए। जय श्री आज्ञा महाराज जी।
बचाओ बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, बचाओ बाबा। सीताराम सीताराम, राधे श्याम, जय भगवान। ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी कुटिया में मिर्गनियाँ रो रही है। बाबा बचाओ, बचाओ बाबा। सीताराम मिर्गिन सुना मोरी बा, मिर्गिन सुना मोरी बा, काहे के रोई बन के मेरी गिनी, हरे बन के मेरी गिनी, हरे बन के मेरी गिनी। कारण मुहे दा बता, कारण मुहे दा बता, दरिया के पनिया सुखाई गई है, खीरे हो सुखाई गई है, खीरे हो सुखाई गई है। आफत का है हा 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 रे, आफत आई का बनया, आफत आई का बनया, दरिया के पनिया सुखाई गई ले, गिरे हो सुखाई गई ले। मिर्गिनियों मिर्गिनियों, ये बताओ तुम्हें कौन सा इतना बड़ा कष्ट है जो कि मेरी कुटिया में आकर आप सब रो रही हैं? बाबा क्या करें बाबा, एक जंगल में कुंवर आए, जो 1700 मिर्गिनी में एक काला मिर्गा था, कुंवर उस काले मिर्गी का शिकार कर दिए बाबा, हम 1700 मिर्गिनी रहार हो गए बाबा, रहार हो गए बाबा। सीताराम सीताराम, राधे श्याम, जय भगवान। मिर्गिनियों, हाँ बाबा, मिर्गिनियों ये बताओ, ये बताओ वह कुंवर कहाँ है जिसने जिसने काले मिर्गे का वधन किया है? बाबा वो आ रहे हैं, आ रहा है, आ रहे हैं बाबा, सुनिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ बाबा। अरे बाबा सुना मोरी बाबा सुना मोरी बा, अरे हम हन के रोए नाही आस गिर, अरे बाबा आस गिर, अरे बाबा आस गिर। मिर्गिनियों,
तुम लोग घबराओ नहीं, आने दो उस दुष्ट को, अभी मैं उससे पूछता हूँ। हाँ बाबा वो आ रहे हैं। ठीक है, आने दो उसको, तब तक तुम मेरी कुटिया में विश्राम करो। जैसे लग गया हो बाबा। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो चुका है गुरुजी, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। कहिए पुत्र कहिए, कौन सा अपराध तूने कर दिया? सुनिए बाबा जी, मैं शिकार खेलने निकला और इस काले मिर्गे का शिकार कर दिया और सारी मृगनियों ने मुझे शराब दे दिया है। सिद्धाराम, तुम्हारा राज सुना हो जाएगा, तुम्हारी रानी रान हो जाएगी, इसलिए गुरुजी मुझे बचा लो। मैं आपके पांव पड़ता हूँ गुरुजी, मुझे इस पाप से बचा लो। हाँ बाबा, बचा लीजिए बाबा। सीताराम सीताराम, राधे श्याम, जय भगवान। अपराधी और मेरी कुटिया में। हाँ बाबा जी। पुत्र ए बताओ, ए बताओ, तुम्हारा ये कौन सा नुकसान किया था जिस तूने इस काले मिर्गे का पतन कर दिया? बाबा जी, एक काला मिर्गा मेरा कोई नुकसान नहीं किया है, मैं शिकार खेलने निकला और इस काले मिर्गे का शिकार कर दिया, इसलिए मृगनियों ने शराब दे दिया है। बाबा जी मुझे बचा लो बाबा जी। खामोश बेहुदा कहीं का हर कुंवर। मैं कहता हूँ इस काले मिर्गे को उठाओ और फौरन मेरी कुटिया से दफा हो जाओ। नहीं बाबा जी, ऐसा न करो बाबा जी, मेरे ऊपर बहुत बड़ा श्राप लग गया है बाबा जी, जब तक ये काला मिर्गा जीलेगा नहीं मेरा श्राप वापस नहीं होगा, इसलिए मुझे बचा लो गुरु जी, आपके पांव पड़ता हूँ। ये कदाप नहीं हो सकता। महाराज जी, हाँ मंत्रीवर, आप आदेश करें, बाबा को भी मार डालता हूँ। ठीक है मंत्रीवर, बहुत मैंने प्रयास किया लेकिन बाबा जी इस काले मिर्गे को नहीं जिला रहे हैं, तो ठीक है, अब चाहे जितना श्राप इस कुंवर के ऊपर लग जाएगा, अब इस कुंवर इस बाबा को भी यहाँ से खत्म करके यहाँ से वापस जाएगा। सीताराम सीताराम, राधे श्याम, जय भगवान। ठीक है मंत्रीवर, अब मैं इस बाबा को ही यहाँ से खत्म करके यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ, और चाहे जितना श्राप लग गया मुझे इसकी कोई परवाह नहीं मंत्रीवर। बाबा जी जिलाओगे कि नहीं जिलाओगे? पुत्र ए औजारों का मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं बाबा जी, धमकी नहीं दे रहा हूँ। यदि मैं चाहता तो तुम दोनों को पल भर में चीटी बना के रख देता। हाँ बाबा जी, लेकिन तुम्हारे इन दोनों बालेपन पे मुझे तरस आ रहा है। धन्य हूँ बाबा जी। हाँ बाबा जी, मैं यही कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, इसको उठाओ और फौरन मेरी कुटिया से दफा हो जाओ। सुनिए बाबा जी, मैंने आपका बहुत बड़ा नाम सुना था कि आप बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष है, लेकिन आज आपको देख लिया आपके अंदर कितना बड़ा ज्ञान है बाबा जी। आप जैसे भिखारी लुटेरे मेरे नगर में भिक्षा मांगने आते हैं। बल बाबा, भिक्षा मांगने सीताराम, राधे श्याम, जय भगवान। अकबर, मैं कहता हूँ रोक ले अपनी जुबान को, वरना शराब दे दूंगा ये जुबान करके जमीन में। बाबा जी, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ बाबा जी। बाबा जी क्षमा कर दो बाबा जी, जो गलती हो गई बाबा जी। ठीक है पुत्र, मैं इस काले मिर्गे को अवश्य जिलाऊंगा। धन्य है बाबा जी, लेकिन जिलाने से पहले तुम्हें अपना परिचय बताना होगा। सुनिए बाबा जी, इस कुंवर का परिचय जानकर आप क्या करेंगे बाबा जी? नहीं पुत्र, नहीं हो सकता है तुम्हारे ही परिचय से मेरा कोई काम हो। धन्य है बाबा जी। सुनिए बाबा जी, यदि मेरा परिचय जानना चाहते हैं तो मुझे राजा भर्थरी कहते हैं। नहीं, कदाप नहीं, तुम राजा भर्थरी कदाप नहीं हो सकते। ठीक है बाबा जी, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आपके अंदर ज्ञान है, आप अपने तपोबल से देख सकते हैं बाबा जी। अवश्य,
अवश्य देखूंगा पुत्र, अवश्य देखूंगा। हाँ बाबा देखिए बाबा। अलोक निरंजन, राम सीताराम, राधे श्याम, जय भगवान। पुत्र हाँ बाबा जी, तुम तो सचमुच के भरथरी निकले। ठीक है बाबा जी, अब तो आपको विश्वास हो गया ना, तो ठीक है बाबा जी, अब इस काली मिर्गी को आप जिला दीजिए बाबा जी। अवश्य जिलाऊंगा पुत्र, अवश्य जिलाऊंगा। हाँ बाबा जिलाइए बाबा, जिला दो बाबा जी। सीताराम सीताराम, राधे श्याम, जय भगवान। अलोक निरंजन, धन्य हो बाबा जी, धन्य हो बाबा जी, धन्य हो बाबा जी। पुत्र हाँ गुरुजी, अब तुम लोग जा सकते हो। धन्य है गुरुजी। सुनिए गुरुजी, जब आप भी इतना बड़ा गुड़ है, आप एक मरे हुई मूर्ति को जिला सकते हैं बाबा जी, तो हम भी आपकी तरह एक इंसान हैं, हमें भी आपकी तरह होना चाहिए गुरुजी। सीताराम सीताराम, राधे श्याम, जय भगवान। नहीं पुत्र नहीं, तुम तो अभी नादान हो, जाओ जाओ, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं बाबा जी, करने दीजिए मेरे परिवार वालों को इंतजार मेरा, लेकिन गुरु जी अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक आप इस कुंवर को अपना चेला नहीं स्वीकार करेंगे बाबा जी, तब तक ये कुंवर आपकी कुटिया से नहीं जाएगा बाबा जी। इसलिए बाबा जी मुझे अपना चेला स्वीकार करो, नहीं तो आप इस धूनी में जल करके मर जाऊंगा बाबा जी, यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा बाबा जी। नहीं कुंवर नहीं, मरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे चेला अवश्य बनाऊंगा। धन्य हो गुरु जी। पुत्र हाँ गुरु जी, परंतु चेला बनाने से पहले तुझे तुझे अपने इस पोशाक में धारण करूंगा। धन्य हो गुरु जी, मुझे इस पोशाक में धारण करेंगे गुरु जी। अवश्य पुत्र अवश्य। और पुत्र हाँ गुरु जी, जब तुम्हें मैं अपने इस पोशाक में धारण करूंगा पुत्र, हाँ गुरु जी, तब तुम्हें मैं तुम्हारे राज को भेजूंगा। क्या गुरु जी, इस कुंवर को अपने राज को जाना पड़ेगा? अवश्य पुत्र अवश्य। और पुत्र हाँ गुरु जी, जब तुम अपने राजमहल को जाओगे, हाँ गुरु जी, उस राज में जा करके 12 वर्ष तक भिक्षा मांग के। नहीं गुरु जी, मुझे अपने राज में जा करके 12 वर्ष तक भिक्षा मांग कर खाना पड़ेगा गुरु जी। अवश्य पुत्र अवश्य। धन्य है गुरु जी, जाऊंगा गुरु जी। जाओगे? हाँ गुरु जी जाऊंगा। और पुत्र, जब तुम्हें 12 वर्ष बीत जाएंगे, हाँ गुरु जी, 12 वर्ष बीतते बीतते तुझे तुझे अपने राजमहल को जाना होगा। गुरु जी मुझे अपनी राजमहल को जाना पड़ेगा गुरु जी। अवश्य पुत्र अवश्य। धन्य है गुरु जी, जाऊंगा मैं अपनी राजमहल को जाऊंगा। और सुनो पुत्र, हाँ गुरु जी, जब तुम अपनी राजमहल को जाओगे पुत्र, हाँ गुरु जी, वहाँ पर तुम्हारी ब्याही हुई स्त्री मिलेगी। हाँ गुरु जी, उसको माँ कहके भिक्षा और आचमन। नहीं गुरु जी नहीं, आपके पाँव पड़ता हूँ गुरु जी, मुझे क्षमा कर दो गुरु जी, मुझे क्षमा कर दो गुरु जी,
जिसको मैं अपनी रानी बना के लाया हूँ गुरुजी, जिसे एक कुंवर अपनी दुल्हन बना के लाया है गुरुजी, उससे मैं कैसे कहूंगा गुरुजी, मुझे क्षमा कर दो गुरुजी, मुझे क्षमा कर दो गुरु। सीताराम सीताराम राधे श्याम जय भगवान। पुत्र हाँ गुरुजी, इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी तुम नादान हो, लेकिन नहीं माने, जाओ जाओ अब से अपने महल को वापस ले जाओ। गुरुजी मैं अपनी राजमहल को नहीं जाऊंगा गुरुजी। फिर तो तुम्हें माँ कह के भिक्षा और आंचल लाना ही होगा। धन्य है गुरुजी, गुरुजी यदि आपका आदेश है गुरुजी, तो मैं उस अपनी ब्याही रानी को माँ कहकर भिक्षा और आंचल मांगूंगा गुरुजी, मांगूंगा गुरुजी। सीताराम सीताराम, तब तो तुम्हारा जो सफल हो जाएगा। धन्य है गुरुजी, धन्य है गुरुजी। पुत्र आइए आइए मेरे साथ मेरी कुटिया में, वहाँ पर मैं तुम्हें अपना पूरा पोशाक देता हूँ। धन्य है गुरुजी। सीताराम सीताराम राधे श्याम जय भगवान। सुनिए मंत्रीवर। हाँ महाराज जी। मंत्रीवर ये सारा हथियार सारा सामान ले जाकर हमारी महारानी जी को दे देना। अच्छी बात महाराज जी। और ये हमारा भेद खुले ना पाए। नहीं खुलेगा महाराज जी। और ले जाकर के ये सब सामान हमारी महारानी जी को दे देना। चंपा चलो जल देना। महारानी की जय हो। कहिए मंत्रीवर। महारानी जी, जिस समय हम और महाराज भर्तृहरि शिकार खेलने के लिए गए, एक हिरण का पीछा किया और हिरण के पीछे पीछे महाराज भर्तृहरि ना जाने कहाँ चले गए, और मैं वहीं से वापस चला आ रहा हूँ। हे भगवान, ना जाने मेरे स्वामीनाथ किस हाल में होंगे। महाराज जी आप चिंता ना कीजिए, स्वामी जी कहीं भी होंगे जरूर आ जाएंगे यहाँ पे। महारानी जी ये औजार महाराज भर्तृहरि आपको वापस दिए हैं, ये अपना लीजिए। हरे धाई धाई गुदरिया माई बेटा समझा, समझा हमारे गारे दीना पे लाल कामे। हमारे गारे दीना पे लाल बकामे, बड़ बड़े जतानिया से लाल तुहका पायो, बड़
का पायो कवने हो करनवा लाल बनला हमरा जोगी कवने हो करनवा लाल बनला हमरा जोगी कवने करनवा लाल बनला हमरा जोगी हो बनला हमरा जोगी कवने करनवा लाल बनला हमरा गुरु गोरखनाथ की अलख व्यंजन। अरे बच्चा तोहरे राजमहल में जोगी अलख जगावत बा हो बच्चा, यह राजमहलिया में केहू हा बता तो जोगी के भिक्षा देदा बच्चा। लाओ जोगी बाबा भिक्षा। अरे बच्चा बच्चा तू ही भिक्षा देवे आवेली हो बच्चा, तोरे हाथे के भिक्षा नहीं ले हो बच्चा, नहीं ले बच्चा। हमरे में का कमी बाबा जोगी बाबा? बच्चा सुनाई बच्चा, तुहरी भी कौनो कमी नहीं होखी बच्चा, तू तो एक नेक लक्ष्मी दिखात हो बच्चा, लेकिन एक थोड़ा सा कमी तुहरी में बा हो बच्चा। का कमी बा? बच्चा यह कमी के दूसरी बात तुम्हें बताए, लेकिन बच्चा हम तोरे हाथी के भिक्षा नहीं लेब हो बच्चा। जय गुरु गोरखनाथ की, अलख निरंजन, जय गुरु गोरखनाथ की। चंपा बहुत दिन हो गए मेरे स्वामी ने शिकार के लिए अभी तक नहीं आए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। राजा साहब चिंता ना कीजिए, राजा साहब अवश्य आएंगे। चंपा सुना मोरी बात, चंपा सुना मोरी बात, अरे बिया हवा के कंगन उनके हथवे में, अरे चंपा हथवे में, आहो चंपा हथवे में, खेलन गई ले शिकार, खेलन गई ले शिकार, अरे बिया हवे के कंगन उनके हथवे में, अरे चंपा हथवे में, आहो चंपा हथवे में। अब दिन छोटा ना कीजिए, राजा साहब अवश्य आएंगे। चिंता ना कीजिए, महाराज जी अवश्य आएंगे। जय गुरु
गोरखनाथ की, अलख निरंजन जय गुरु गोरखनाथ की। अरे बच्चा केहू राज महलिया में हो बच्चा, तो जोगी के भिक्षा देदा बच्चा, जोगी तुहरे द्वार पे अलख जगावत बा बच्चा, भिक्षा दे दे बच्चा। भिक्षा नहीं हो बच्चा, तोरे हाथे के भिक्षा नहीं ले हो बच्चा। बच्चा तनी माता जी के बुला दा बच्चा, हम माता जी के हाथ से भिक्षा ले बच्चा। माता जी नहीं आ सकते बच्चा, माता जी भिक्षा देवे ना आ सकती बच्चा, काहे ना आ सकती हो बच्चा। क्योंकि उनके स्वामी जब से गाँव ना ला के गए हैं, अभी वापस लौटे नहीं, जो भिक्षा देने नहीं आ सकते बच्चा। तब तो बिचारी बड़ा कष्ट सह रही होगी बच्चा। बच्चा उसका स्वामीनाथ मुझसे मिला हुआ था बच्चा, उसका स्वामीनाथ मुझसे मिला हुआ था बच्चा, और हम दोनों एक ही साथ में रहते हैं बच्चा। उसका स्वामीनाथ मुझको ये निशानी दिया है, यदि उस निशानी को मैं दिखाऊं तो पहचान जाओगी बच्चा। चंदन तुम्हें कहां से मिला? यह तो मेरे स्वामीनाथ के हाथ में था। चंपा सुना मोरी बात, चंपा सुना मोरी बात, हर गवना लियाई साथ छोड़ी दिहल, अरे साथ छोड़ी दिहल, अरे साथ छोड़ी दिहल। ये भी कहा कि आपकी महारानी अगर अपने स्वामी जी से मिलना चाहती हैं तो मैं उन्हें मिलवा दूंगा। ठीक है, यदि जोगी बाबा आए तो मुझे खबर करना, मैं उनसे बात करूंगी। जी रानी साहब। महारानी जी, महारानी जी, आपके स्वामीनाथ वही हैं जो भिक्षा लेने आए थे। चंपा ये तू क्या कर रही है? जोगिया लगाई गाली दे है नीर चंपा, शरम नहीं आए रे जोगिया, लगाई गाली दे हरी चंपा, शरम नहीं आए रे जोगिया, लगाई गाली दे हरी चंपा, शरम नहीं आए रे जोगिया, लगाई गाली दे हरी चंपा, शरम आए रे।
ने छोड़ दिया, इसलिए मैं खुद इसको आपके पास लेकर आ रहा हूँ। क्यों? महारानी जी चंपा ने इतनी बड़ी क्या गलती कर दिया है जो कि आपने इसका जान मारने के लिए जंगल में जल्लाद के साथ भेज दिया। इसने तो बहुत बड़ी गलती की। अरे महारानी जी, क्या इतनी बड़ी गलती कर दिया है? तो सुनिए, अगर सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए इसकी गलती क्या है। हाँ महारानी जी, जरूर बताएं। मेरे स्वामीनाथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, उसी बीच एक जोगी बाबा आए थे और उन्हीं को बता रही है कि वही मेरे पतिदेव हैं। क्या ये सच है? महारानी जी, इतनी बात कहने के लिए आप उन्हें चंपा को जंगल में जल्लाद के हाथ मारने के लिए भेज दिया। चंपा ने यही कहा ना कि वो जोगी राजा आपके स्वामी राजा भर्तरी हैं। जी तो ठीक है, यदि तुम अपने स्वामी राजा भर्तरी को देखना चाहती हो तो हम तुम्हारे स्वामी राजा भर्तरी को स्वयं तुम्हारे सामने दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं? हाँ महारानी, अवश्य दिखा सकता हूँ। देखा हूँ माई, तुम्हारे सामने तुम्हारा राजा भर्तरी खड़ा है। माई स्वामी नहीं, जय
चंपा, वही मेरे स्वामीनाथ है चंपा, मुझे माफ कर दो, मैं पहचान गई, उन्हें ले आओ चंपा, उन्हें ले आओ। ठीक है महारानी, हम मिला दूंगी आपको स्वामी से। निरंजन जय गुरु गोरखनाथ की, अलख निरंजन जय गुरु गोरखनाथ। स्वामी नहीं हो माई, हम तो स्वामी ना है माई। स्वामी हो माई तो स्वामी ना है, योगी है माई। जय गुरु गोरखनाथ की, जय गुरु गोरखनाथ। नहीं हो माई तो स्वामी ना है माई। हर के करा से हंसी हम, किसे बातें आई स्वामी, अरे के करा से हंसी हम, किसे बातें आई स्वामी, किसे कहीं दिलावा के बात हो बलम। हंसी हम, किसे बातें आई स्वामी, के करा से हंसी हम, किसे बातें आई स्वामी, किसे कहीं दिलावा के बात हो बलम। दिन दिन याद आवे तुहरी सूरती आहो, सिजिया पर लोढ़ काला नाग हो बलमुआ। सिजिया पर लोढ़ काला नाग हो बलमुआ, अरे माई हम जोगी फांकी रही माई, आप ही मेरे स्वामीनाथ। माई माई तो स्वामी ना ही माई, जोगी है माई, जोगी है शे गुरु गोरखनाथ की। अरे माई का करत हूँ माई, जय गुरु गोरखनाथ की। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। ठीक है जा माई, अगर चाहते हो तो जा ले आवा। जय गुरु गोरखनाथ की, अलख निरंजन जय गुरु गोरखनाथ की। गुरु जी मुझे बचा लो गुरु जी, क्या कष्ट है चेला। गुरु जी मेरी रानी मुझको पहचान गई है गुरु जी, और हो गई है मेरा दोनों हाथ रेशम की रस्सियों से बांध रखी है, और हो गई है भोजन लेने गुरु जी,
और यदि उसके हाथ का मैं भोजन सेवन कर लूंगा गुरुजी, आपका सम्मान घटेगा और मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। सुनो चेला, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। धन्य हो गुरुजी। चेला। हाँ गुरुजी। क्या तुम्हारी बहू तुम्हारे दोनों हाथों को रेशम की डोर से बांध रखी है? हाँ गुरुजी। तुम्हारे सारंगी के रोदे में वो गुड़ है कि उसको घुमाते ही रस्सी कट जाएगी और मेरा सम्मान भी बच जाएगा। धन्य हो गुरुजी, धन्य हो गुरुजी, धन्य हो गुरुजी। अलख निरंजन, जय गुरु गोरखनाथ की। 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 जय गुरु गोरखनाथ की। अलख निरंजन, जय गुरु गोरखनाथ की। अलख निरंजन, जय गुरु गोरखनाथ की। गुरुजी बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुजी मुझे बचा लो। गुरुजी सीताराम, सीताराम। हाँ गुरुजी। राधे श्याम, जय भगवान। अरे कहिए चेला। हाँ गुरुजी। ये क्या भेष बना के आए हो? क्या बताऊं गुरुजी, क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। मेरी रानी मुझको पहचान गई गुरुजी और मेरा सारा सामान छीन लिया गुरुजी, और मैं किसी तरीके से भाग करके आपके शरण में आ रहा हूँ गुरुजी। गुरुजी सीताराम, सीताराम। राधे श्याम, जय भगवान। सुनिए गुरुजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ गुरुजी। सुनिए गुरुजी मेरी बात को। कहिए पुत्र, कहिए, क्या कहना चाहते? सुनिए गुरुजी। गुरुजी सुना मोरी बात, गुरुजी सुनिला पुकार, गौआ के लोग देखी मोहित।